हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर्स के अंदर इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम रूल्स पढ़ेंगे, रे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूल्स फॉर रे डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रूल्स फॉर रे डायग्राम पर जाने से पहले थोड़ा सा जो हमने प्रीवियस वीडियो में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी आपको याद होगा, एक फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे थे और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको हम आर से डिनोट कर रहे थे। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि एफ और आर में क्या रिलेशन होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, ये जो मैंने ऐसे लिखा है शॉर्ट में, ये बिटवीन के लिए लिखा है। ओके, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो देखिए, आप थोड़ा सा इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि एफ और आर में क्या रिलेशन होती है। पहले तो एफ और आर का आपको पता होना चाहिए कि एफ और आर कहाँ पर बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दी। मान लीजिए यहाँ पर ये है पोल और यहाँ पर है मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर है ये फोकस। तो ये जो दूरी है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये जो दूरी है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे आप ज्योमेट्री से देख पा रहे होंगे कि जितना ये एफ और पी के बीच की दूरी है उतना ही सी और एफ के बीच की दूरी है। यानी कि जो सी पी है वो एक तरह से एफ पी का डबल है। यानी कि यहाँ से ज्योमेट्री से भी हम देख पा रहे हैं कि जो सी पी है वो डबल है एफ पी का। ओके, और सी पी क्या होता है, सी पी हमको पता है कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एफ पी होता है फोकल लेंथ। तो ये एक रिलेशन आ गई हमारे पास, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इसका बिल्कुल डिराइवेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर फॉर्मूले पर या आगे पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ हमको काम आएगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का रूल्स फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम जो बनाएंगे हम, वो बनाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून हैं। और क्या है वो रूल, वो पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहला नियम, दोनों मिरर के लिए, कनकेव और कन्वेक्स के लिए मैं साथ के साथ बताता चलूँगा, ध्यान से समझना है आपने। पहला नियम है अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस After falling on a concave mirror, will pass through the focus. ओके, अभी इसको कंप्लीट नहीं करते हैं क्योंकि कन्वेक्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। कॉनकेव के लिए देखो यहाँ तक हो गया कि अरे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू द फोकस, जो कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ रही है रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो फोकस से पास हो जाएगी। फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू द फोकस, ये और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये तो कॉनकेव के लिए हुई, और कन्वेक्स के लिए क्या लिखेंगे, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो एक तरह से डाइवर्जिंग मिरर भी होता है, बीम को डाइवर्ज करता है, तो वो डाइवर्ज करेगी, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ओके, तो उसमें क्या लगेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसी में लिखेंगे और अपीयर टू डाइवर्ज भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर अपीयर टू कम फ्रॉम, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। वहाँ पे अपीयर होगी, एक्चुअल में वहाँ पे क्रॉस नहीं करेगी फोकस को, फ्रॉम द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है कहानी पैरेलल रे की। तो किस तरह से होगा, देखिए जैसे इसी में मैं डिनोट कर देता हूँ ऊपर जो मैंने रे डायग्राम बनाया है, कि अगर कोई रे इस तरह से आ रही है तो ये रे आपको दिख रही होगी, ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये ऊपर वाली जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो कॉनकेव अगर मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है ये आपकी फोकस से पास हो जाएगी। ओके, ये तो कॉनकेव के लिए हो गया, जो रूल मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स की पहचान तो आप सभी को पता होगी, बता दी थी मैंने, क्या होती है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे होता है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, इसका फोकस यहाँ पर होगा, और इसमें जो है कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से आएगी। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो रे इस तरह से आएगी, देखो ये रे जो आपको दिखाई दे रही है ये रे जो है इंसिडेंट रे जिसको हम बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, तो आप ये देख रहे हैं ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, क्योंकि ये तो जो मिरर होता है ये डाइवर्ज करता है बीम को, डाइवर्जिंग मिरर है। तो इसमें देखोगे आप, ये हमको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से हो रही है, ये है आपका पहला नियम। आगे चलते हैं रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है, अरे विच इज फॉलिंग, विच इज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर, और रे विच इज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर आफ्टर पासिंग, आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस, आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस विल गो पैरेलल, विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तो हो गया कॉनकेव के लिए, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, अब देखो कॉन्वेक्स आपको दिखाई दे रहा है तो कॉन्वेक्स में तो फोकस के पास लाइट जा ही नहीं सकती, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे और अरे
विच इज मूविंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी हो रही है क्योंकि दोनों मिरर के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक ही पॉइंट में. देखिए कैसे होगा. अब पहले कॉनकेव के लिए देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर क्या होगा फोकस होगा. तो कह रहा है कि अगर कोई रे फोकस से पास होके मिरर पे पड़ती है. ये एरो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरो ज़रूर लगाना इसमें. रे डायग्राम जब बनाओगे, चाहे इमेज फॉर्मेशन के लिए बनाओ चाहे ये रूल्स के लिए बनाओ, तो ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे फोकस से पास होकर अगर मिरर पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी. कन्वेक्स में कैसे होगा, ये कन्वेक्स मिरर मैंने ले लिया, ये है आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होंगे ना, पोल से राइट साइड में, ये पोल होता है पोल से राइट में होंगे, कॉनकेव में पोल के लेफ्ट में होते हैं. यहाँ पर होगा ये फोकस, यहाँ पर होगा सेंट्रल कर्वेचर. अगर कोई रे फोकस की तरफ जा रही है, ये ऐसा नहीं बोलेंगे फोकस से पास हो रही है क्योंकि इसमें फोकस से पास नहीं होगी रे, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है और मिरर के पीछे लाइट नहीं जाएगी. तो ये इंसिडेंट रे इस तरह से जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है. देखो आप अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना ऐसे डॉटेड लाइन से, इसको एक्सटेंड करूँगा मैं तो आप देखेंगे कि ये जो है फोकस से पास होगी. तो ये रे मिरर पे पड़ने के बाद ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस की ऐसे पैरेलल चली जाएगी. ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर टू. अब आते हैं रूल नंबर थ्री. रूल नंबर थ्री में हम बताएंगे कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके अगर कॉनकेव मिरर पे पड़ेगी तो वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को. रिट्रेस मीन्स वापस उसी रास्ते से चली जाएगी जिस रास्ते से वो रे आई है. देखिए किस तरह से होगा इसके लिए. रूल नंबर थ्री यहाँ पर लिखते हैं. रूल नंबर थ्री क्या कहता है, अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर ओके अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर विल एक मिनट अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर विल रिट्रेस इट्स पाथ. ओके, कॉनकेव मिरर पे अगर लाइट पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके तो रिट्रेस कर जाएगी वापस उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. ये तो कॉनकेव के लिए होगा. कॉन्वेक्स में क्या लिखेंगे, और अरे मूविंग टुवार्ड्स मूविंग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से लिखते हैं, विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर
रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये है आपका रूल नंबर 3। तो देखिए रूल नंबर 3 को हम यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ये पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है मान लीजिए यहाँ पर फोकस। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई रे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर पे पड़ती है तो मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी, बिल्कुल जहाँ जिस रास्ते से आई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्फेरिकल मिरर में अगर कोई रे अगर किसी स्फेरिकल मिरर में अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे पड़ती है, इसका मतलब मिरर के ऊपर वो नॉर्मली फॉल कर रही है, और जब भी मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होते हैं उस केस में। सेम प्लेन मिरर में भी होता है, कोई प्लेन मिरर है आपके पास, प्लेन मिरर पे अगर लाइट बिल्कुल ऐसे नॉर्मली फॉल करेगी तो वो रिट्रेस करेगी, इधर से आई थी तो इधर ही वो वापस चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों वहाँ पर जीरो होंगे। ओके, नॉर्मल का केस होता है जब नॉर्मली फॉल करती है। तो प्लेन मिरर में तो नॉर्मली फॉल करती है, वहाँ पर तो हमको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं होता। देखो प्लेन मिरर है तो इस तरह से रे आई तो जिस पॉइंट पर पड़ रही है वहाँ पर एक नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल भी क्या होगा, ये सेम नॉर्मल इसी लाइन में बनेगा तो वापस रिट्रेस कर जाएगी। लेकिन स्फेरिकल में कई बार थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी रे नॉर्मली फॉल कर रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आपने स्फेरिकल मिरर में ये देखना है कि रे नॉर्मली फॉल कर रही है या नहीं कर रही, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर कोई भी रे अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पर पड़ रही है या वो किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो आप मान के चलेंगे कि वो रे उस मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल करेगी और नॉर्मली फॉल करने के बाद वो डेफिनेटली रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। कॉन्वेक्स में कैसे होगा? जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पर पोल हो गया, तो कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स है, ये बार बार लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, आप पता लग गया होगा आपको। कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर है ये फोकस और यहाँ पर है मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, देखो ये अब आगे तो लाइट जाएगी नहीं, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करूँगा, ये देखिए, तो मिरर पे पड़ने के बाद क्या कर जाएगी, ये रिट्रेस कर जाएगी वापस अपने पाथ को, उधर ही चली जाएगी जिधर से आई थी। तो ये है आपका रूल नंबर 3। आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पे, आखिरी रूल है, लास्ट रूल है ये। ये रूल क्या कहता है? अरे फॉलिंग एट पोल, अरे फॉलिंग एट पोल तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर कोई रे पोल पे फॉल कर रही है, पोल पे मीन्स ये जो पोल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी रे डायग्राम में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, अगर कोई भी रे पोल पे फॉल करती है इस तरह से, देखो ऐसे, तो जितने एंगल से वो फॉल किए जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उसी एंगल से क्या करेगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि एंगल, ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये तो हमने रूल्स जब पढ़े थे, रूल्स रिफ्लेक्शन के जो नियम हमने पढ़े थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये रूल क्या कहता है? अरे फॉलिंग एट पोल ऑफ अ मिरर विद सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, विद सम एंगल ऑफ इंसिडेंस विल रिफ्लेक्ट मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये देखिए, ये कन्वेक्स के लिए तो मैंने बना ही दिया इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है,
इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये बीच में क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह की, एक तरह से नॉर्मल का काम कर रही है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर कोई रे, कोई भी रे, कोई भी लाइन, अगर वो किसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजरेगी, तो इसका मतलब आपने सिंपल से ही माना कि वो रे या वो लाइन मिरर के ऊपर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर फॉल करेगी, तो इस पॉइंट पर अगर आपने नॉर्मल बनाना है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वो हो रही है। तो ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, और ये दोनों बराबर ही होंगे, ये तो हमने रूल पहले पढ़ाई है। ओके, तो ये आपका रूल नंबर 4। तो ये थे कुछ रूल्स फॉर रे डायग्राम। आई होप कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन, जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी बार बार न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। साइन कन्वेंशन के बाद हमने पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद हम मिरर फॉर्मूले पे, उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन पे जाएंगे, और इस तरह से हमारा जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिर रिफ्रैक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। इनको अच्छे से पढ़ें, रूल्स को इनको बना के देखें, रे डायग्राम को अच्छे से अपनी नोटबुक में आप बना के देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।